नमस्कार दोस्तों, मैं लक्ष्मीकांत शर्मा K2S न्यूज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा खबरों पर। गंगापुर सिटी की सौनी धर्मशाला में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विचार मंच के राष्ट्रीय संगठन सचिव राहुल गोयल के तत्वाधान से कार्यकर्ताओं का स्वागत सम्मान समारोह रखा गया, जिसके मुख्य अतिथि भाजपा के वरिष्ठ नेता संजय गोयल, विशिष्ट अतिथि भाजपा नेता शांति मेहरवाल, समाज के पूर्व अध्यक्ष व भाजपा के युवा नेता दर्शन सिंह गुजर रहे। सभी का माला साफा पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया। इस मौके पर मंच द्वारा पत्रकारों को भी सम्मानित किया। मंच के कार्यकर्ताओं ने विचार मंच के उद्देश्यों के बारे में जानकारी दी। आइए देखते हैं संवाददाता राजेश कुमार की रिपोर्ट। हमारे मुख्य अतिथि भाई साहब संजय जी गोयल साहब ने जो पधार कर और हमारे विशिष्ट अतिथि शांति स्वरूप जी मेहरवाल साहब ने यहाँ हमारे इस प्रोग्राम की जो शोभा बढ़ाई, हम इनका बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करते और बहुत बहुत अभिनंदन। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जिन उद्देश्यों को लेकर के हमारी जो ये मंच हमने बनाया है, जो संघ हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बनाया, उसी संघ को आगे निर्वाहित करते हुए हमारी भाजपा आगे बढ़ रही है, उसी की एक देन हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी दीनदयाल उपाध्याय जो रहे, इसकी जो कर्मठ नींव उन्होंने रखी, हम उनके उद्देश्यों को लेकर के काफी मजबूत हैं और आगे भी हम पूर्णतः आप लोगों को सभी को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि जितनी से जितनी ज्यादा ताकत हमारे कार्यकर्ताओं में होगी, हम उनके उद्देश्यों को लेकर एक जो हमारे स्तंभ थे उनको लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। और हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जितने भी कार्यकर्ता बंधु पदाधिकारी वगैरह सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदी नव वर्ष सेवगिरी आने वाला है, उसी की सबको शुभकामनाएं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जिस तरह से हिंदू राष्ट्र की सोच इस देश में चलाई थी, उसी को आगे बढ़ाते हुए हमारे कार्यकर्ता इसी गली में आगे बढ़ रहे हैं। मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस कार्यक्रम में उन्होंने सभी को सहयोग लेते हुए। आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय मंच पर आपने मुझे बुलाकर जो सम्मान दिया, मैं बड़ा गौरवान्वित हूँ। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का संपूर्ण जीवन समाज सेवा और देश के लिए समर्पित था। के मार्गदर्शन में श्यामा प्रसाद मुखर्जी मंडल का जो गठन हुआ है, यह भारतीय जनता पार्टी के लिए एक मजबूती का काम करेगा और आगामी विधानसभा चुनाव 2023 में और 24 में पूर्णतः प्रचंड बहुमत से भाजपा की सरकार बनेगी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो सपना देखा था अखंड भारत का, हिंदू राष्ट्र का, वो साकार होता हुआ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दिखाई दे रहा है। गंगापुर सिटी उपखंड में अचानक हुई बारिश से किसानों की फसलें चौपट हुई, जिसका जायजा लेने पहुंचे भाजपा नेता शांति स्वरूप मेहरवाल, कौशल वोहरा व डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय विचार मंच के राष्ट्रीय संगठन सचिव राहुल गोयल ने ग्रामीणों से कहा कि आपको हुए नुकसान के मुआवजे को लेकर सरकार से मांग की जाएगी, उन्हें मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया। आइए देखते हैं संवाददाता की रिपोर्ट। बताना चाहता हूँ कि देखिए, टमाटर सारा फैला हुआ है, टमाटर बिल्कुल खत्म हो चुका है, फसल चौपट हो चुकी है, टमाटर ओले पड़ने से क्या दुर्गति हुई है, यह आपको हाथ में लिए हुए और यहाँ वीडियो बनाए हुए पूरे खेत का दृश्य नजर आ रहा होगा। इन्हें भावी से भावी मुआवजा दे करके किसान जो मेहनत करते हैं दिन रात एक करके हमें फसल की उम्मीद में जिंदा रहते हैं, आज वो फसल चौपट हो चुकी है। गंगापुर सिटी उपखंड के बजीरपुर में गंगापुर को जिला व बजीरपुर को नगर पालिका बनाने की घोषणा करने पर कस्बे के आसपास के ग्रामीणों में खुशी की लहर देखने को मिली। सभी ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व विधायक रामकेश मीणा का आभार व्यक्त किया। आइए देखते हैं संवाददाता महेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। तहसील में जो बजीरपुर तहसील के सब पंच पटेल हैं, यहाँ बड़ौदा के, मड़ौली के, मेड़ी के, सब जगह के, पूरे बजीरपुर तहसील के सब गांवों के पंच पटेल हैं और जितनी खुशी बजीरपुर तहसील को है कि दो दो एक चीज एक एक साथ मिली बजीरपुर को, दो सौ का पहली सबसे बड़ी मांग थी हमारी जो जिले की, जो आदरणीय गंगापुर सिटी के विधायक के जन जन के हृदय सम्राट रामकेश मीणा जी ने उसको इतनी जबरदस्त तरीके से उठाया और गंगापुर सिटी को आदरणीय अशोक गहलोत जी से मांग करके जिला बनवाया।
दूसरी मांग इसी जगह पे पहले इसी जगह पे आज मिठाई बांटी है पूरे पंच पटेलों की ओर से, इसी जगह पे यूं बांटी है कि सबसे पहले राम के जी यहाँ आए थे तो इन्हीं पंच पटेलों ने मांग उठाई थी कि हमारी वजीरपुर नगर पालिका का दर्जा दिया जाए जी, हमें कोई भी काम के लिए दूर दराज नहीं जाने चाहिए। दूसरी सौगात, तीन सौगात वजीरपुर में, तीसरी मिली है कन्ना महाविद्यालय, चौथी सौगात मिली है पीजी कॉलेज, इतनी सौगात दी उसकी खुशी में मिठाई बांटी है